आ गई कहानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार। आज की कहानी है प्लूटो पत्रिका से। इसका शीर्षक है हाथी और इसे लिखा है प्रमोद पाठक ने। इस्माइल ने हाथी नहीं देखा था, लेकिन सुना था कि हाथी बहुत बड़ा होता है। वो अपने पापा को देखता था। पापा उससे काफी बड़े थे। पापा कहते थे कि हाथी उनसे भी बहुत बड़ा होता है। इस्माइल सोचता, फिर तो हाथी कितना बड़ा होता होगा। पापा के ऊपर एक और पापा, नहीं उनके ऊपर एक और पापा, नहीं नहीं उनके भी ऊपर एक और पापा। इस तरह वो हाथी के बारे में भूल जाता और एक के ऊपर एक खड़े पापाओं के बारे में सोचने लगता। उसे इस तरह सोचने में बड़ा मजा आता। एक दिन पापा के साथ बाजार जाते हुए उसने हाथी देखा। हाथी देखकर वो बहुत हैरान हुआ। मन ही मन सोचने लगा, इस हाथी को बनने में तो बहुत सारे पापा लगेंगे। ऊपर नीचे अगल बगल कितने सारे पापा लगेंगे। चार पापा तो इसके पैरों में ही लग जाने वाले हैं। हाथी और पापा के बारे में सोचते हुए उसे अचानक एक ख्याल आया। ये हाथी इतना बड़ा है तो इसके पापा कितने बड़े होंगे? तुमको क्या लगता है, हाथी के पापा कितने बड़े होंगे? आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।